आज आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे शब्दों में वो पावर आई शक्ति है जो आपका प्रेरणा का स्रोत बने और आप एक निर्णय ले सकें। एक बात तो आप मानते हैं कि मुर्गियों के झुंड में रहकर बाज जैसी उड़ान नहीं उड़ा जा सकता। अगर आपको बाज बनना है तो बाज की संगति में रहना पड़ेगा और बाज से सीखना पड़ेगा। 18 वर्ष की मेरी रेगुलर एजुकेशन, फिर प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई, जीवन में आना, नौकरी करना, फिर अपना प्रैक्टिस शुरू करना, सोचा था जिंदगी में सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन सच है ऐसा होता नहीं है, मेरा भी हुआ नहीं। मध्यम वर्गीय फिलॉसफी में जो बताई जाती है अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और अच्छी ज़िंदगी, मैंने भी सोचा था कि ये सही है, बट ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगा, एटलीस्ट मेरे लिए सही नहीं रहा। क्या करता, कुछ परिवर्तन किया, कुछ सीखा, कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश की, खोज रहा था, हे भगवान कुछ मौका दो, कुछ अवसर दो, उस अवसर को पकड़ के ज़िंदगी में इस अच्छी ज़िंदगी को एक जीवन शैली की ज़िंदगी का नाम दे सकें, जहाँ नाम भी हो, पहचान भी हो, ख्याति भी हो, समय भी हो और परिवार के साथ जीवन जीने का आनंद भी हो। बट काश ये पूरे हो सकते, हुआ नहीं। परिवर्तन किया, बहुत कुछ परिवर्तित हो गया, हम इसकी कहानी आज आपसे बताना चाहेंगे, पर उसके पहले मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस को जिन्होंने शुरू किया था, उषा जी ने शुरू किया था आज से कई वर्ष पहले, मैं तो शुरू में इस बिजनेस में आना भी नहीं चाहता था, लेकिन उषा जी ने कुछ देखा, कुछ समझा और उन्होंने निर्णय लिया। करीब 15-16 महीने तक उन्होंने अकेले इस बिजनेस को करने की कोशिश की और धीरे धीरे एक दिन मैं भी किसी बड़े फंक्शन में उनके साथ गया, मुझे लगा कि यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं। फिर क्या था, जैसे बाज अपने शिकार को दबोचती है, मैंने भी इस बिजनेस को अपने पंजे में जकड़ लिया, वो सब किया जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए ज़रूरी था, कुछ खास मुश्किल भी नहीं था, बस मैंने बताया ना कुछ बदलाव की ज़रूरत थी और वो मैंने किया। और आप जीवन में याद रखेंगे कि हर सफल व्यक्ति लाइफ में बदलाव करता है, दो व्यक्ति बदलाव नहीं करते हैं, एक मृत व्यक्ति और दूसरा मूर्ख व्यक्ति। मृत बदलाव कर नहीं सकता, मूर्ख बदलाव करना नहीं चाहता, इसलिए जीवन में वही रह जाता है जहां वो रहना भी नहीं चाहता। हम और आप तो ऐसे नहीं हैं, हम और आप तो काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं, एक अच्छा निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज के स्टॉक के बाद आप जरूर विचार करेंगे और एक अच्छा निर्णय लेंगे। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है उषा जी से, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो आइए सुनते हैं उषा जी से। ये तन मन से सुंदर ही नहीं है, अंदर से बहुत सशक्त भी हैं, सपने इनके बहुत बड़े हैं। मैं शुरू में एक्टिव नहीं था, करना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये जिद्दी हैं और मैं इनको प्यार करता था। ये जीत गईं, मैं हार गया, लेकिन हार के भी इनके साथ जीत गया और यहाँ से शुरू होती है मेरी संघर्ष और विजय की कहानी। तो आइए सुनिए उषा जी से। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भगवान को धन्यवाद करना चाहूँगी, और क्योंकि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो यहीं पर मैं भगवान को प्रणाम करते हुए अपना परिचय दूंगी कि मेरा नाम उषा है और मेरा जन्म बोकारो में हुआ, मेरा स्कूलिंग वगैरह भी सब बोकारो में हुआ, मेरे पापा सेल में जॉब करते थे, हम चार भाई बहनें हैं, ये मेरा छोटा सा फैमिली शादी से पहले का था। और उसके बाद फिर स्कूलिंग वगैरह हुआ, बहुत सारे ड्रीम थे, हर लड़की एक ड्रीम देखती है कि कल हमारी शादी होगी, शादी के बाद मेरा लाइफ बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, देश विदेश घूमेंगी, इस तरह डिफरेंट टाइप का बहुत सारा ड्रीम मेरे अंदर भी था। उसके बाद मेरी शादी मनोज जी के साथ होती है और मनोज जी के साथ शादी होकर मैं आती हूँ, तो शादी के बाद का लाइफ, शादी के बाद पता चलता है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, कुछ और ही लाइफ होता है, बट ठीक है, वो लाइफ में भी हम बहुत इंजॉय किए, ऐसा नहीं था। शादी के बाद मनोज जी की पढ़ाई चल रही थी, वो कलकत्ता में पढ़ रहे थे, मैं अपने यहाँ ग्रेजुएशन पूरा की और इसी तरह हम लोग का लाइफ कट रहा था। उस बीच में हमारे घर में खुशियाँ बेटी के रूप में आई, बड़ी बेटी हमारी ऐश्वर्या, जिसके साथ बहुत अच्छा लगा, उसका आना हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर लाइफ इसी तरह कट रही थी, उसके दो तीन साल के बाद मेरी छोटी बेटी अपूर्वा आई, फिर घर में बहुत बहुत सारी खुशियाँ आई दोनों बेटी के रूप में, फिर हम लोग वहाँ से जर्नी शुरू होती है,
और हम लोग पटना आते हैं। पटना आके यहाँ से मनोज जी अपना करियर शुरू करते हैं। फिर यहाँ इसी तरह बहुत फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ मैं रहती थी। घर गृहस्थी, बच्चे, मुझे मन लगता था, ऐसा नहीं कि मन नहीं लगता अपने घर गृहस्थी में, बट कहीं ना कहीं मिसिंग लगता था, क्योंकि मनोज जी के पास टाइम नहीं हुआ करता था। अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी हुआ करते थे। मुझे हमेशा लगता था कि कभी उनके पास कास्ट टाइम होता तो थोड़े कुछ इंजॉय करती, कुछ मस्ती करती, बट ऐसा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी तलाश थी, भगवान से पूजा करती थी तो उस समय लगता था कि नहीं, कुछ मुझे भी करना है। तो होता है ना, शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहिए तो ऊपर वाले आपके साथ देते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ कि मैं सोच रही थी, एक दिन ऐसे इत्तेफाक होता है, मनोज जी ऑफिस से आते हैं और मुझे बोलते हैं सामने कि एक बैंकर हैं, बहुत अच्छे कपल हैं और उन्होंने हम लोग को बहुत प्यार से इन्वाइट किया है, तो हम लोग को चलना है। तो मैं भी बहुत खुशी खुशी घर गृहस्थी में रहते रहते साथ में मनोज जी के साथ निकल पड़ी। जब उनके घर गए, मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोग का वेलकम, उन लोग का बात करने के तरीका। जब वहाँ बैठती हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी, एक बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ सोची तो आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी मुझे वहाँ पर सुनने, देखने और समझने को मिला। शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट दोस्तों बोलते हैं ना, जब पूरी कायनात आपके साथ होती है तो आपको सारी बातें समझ। एक बात मुझे बहुत समझ उसमें अच्छी लगी, क्योंकि कुछ हादसा मेरे फैमिली में ऐसे हो चुकी थी इनसिक्योरिटी की, और सब मोरल स्टोरी सुनाते हैं, बट मेरे घर में ऐसी हादसा हो चुकी थी, हमारी दीदी के साथ हो चुकी थी, हमारी जिया जी नहीं थी, तो मैं वो देख चुकी थी। तो जब ये प्लान देख रही थी, उसमें जब वो हमारे जो अपलाइन थे वो दिखा रहे थे कि एक घर का एक पिलर है, अगर वो उस घर में नहीं रहे तो उसके घर की सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, उनके बच्चे की लाइफ स्टाइल क्या होगी। और फिर दूसरे घर उन्होंने बनाया, उसमें एक घर बना के बहुत सारे छोटे छोटे पिलर्स बनाए और बोले कि ये घर में अगर बंदा नहीं भी रहेगा तो आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम आता रहेगा। मुझे ये बहुत अपील किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बोल पड़ी कि मुझे ये बिजनेस करना है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं और नीचे आते हैं तो मनोज जी पूछते हैं हमसे कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम हाँ कर दी, मुझे पता नहीं है बट मुझे ये बिज़नेस को करना है। क्या बोले दोस्तों, उसके बाद दूसरे दिन हमारा किट ओपनिंग होता है, और किट ओपनिंग बोलते हैं ना, किसी चीज़ का वेलकम आप बहुत अच्छे से कीजिए तो बहुत सब चीज़ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो मैं बहुत अच्छे से वेलकम की। पहले किट आया करता था 4400 में, घर में मैं थाल सजाई, उसमें पूजा की थाल थी, उसमें नारियल था, सारा चीज़ था, और बहुत विधि विधान के साथ मेरी किट ओपनिंग हुई। और किट ओपनिंग के साथ साथ जैसे मेरी अपलाइन वो प्रोडक्ट्स निकाल रही थी और जगह जगह पर रखने बोल रही थी, तो जैसे लग रहा था, बोली थी एसेट है, LOC है, ये घर पोछा लगाने का है, डिस्ड्रॉप है, तो सारे में वो बोल रही थी सारा ये जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारा ड्रीम है। तो मैं जैसे जैसे प्रोडक्ट को रखते जा रही थी, लग रहा था कि मेरा सपने अब इसी प्रोडक्ट के थ्रू पूरा होगा। और सारे प्रोडक्ट को मैं जगह रखी, एक्वरन का जो भी प्रोडक्ट था उन्होंने मंगा के, मेरा एक सर्वेंट था उनको दे दिए, बोले उषा आप और आपके प्रोडक्ट और आपके सपने, कोई आपको कुछ बोलने जाएगा ना करने जाएगा, आप जितने शिद्दत के साथ इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिएगा और आपके सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों मैं फर्स्ट डे से ही सारे प्रोडक्ट को बहुत मन से यूज की, और क्योंकि मेरे सपने पूरे करने की बहुत इमोशनल मेरा ड्रीम था, बहुत इमोशनल मेरा सपना था, मुझे बहुत कुछ चाहिए था अपने लाइफ में, बहुत ड्रीमर थी मैं, अच्छी अच्छी लाइफ जीना चाहती, अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैं इसमें लगी रही। बट मनोज जी ने तो ज्वाइन करा दिया था, उनको फुर्सत नहीं होता था, मैं अकेले ही, कभी रोके नहीं मुझे कि ये काम को तुम मत करो, हमको मीटिंग में ले जाना, वहाँ छोड़ देना, सारे चीज़ करते थे, बट मैं 18 महीना अकेले करती रही दोस्तों, इस विश्वास के साथ आज न कल मनोज जी मेरा साथ देंगे। मैं काम हमेशा करते रही कि घर में प्रोडक्ट यूज करते रही, जब वो रहते थे मैं CD चला देती थी, सिस्टम के साथ मैं हमेशा प्लग रही। और मनोज जी को एक दिन बड़े सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में मैं इन्हें रिक्वेस्ट करके ले गई, मैं एक ही बात बोली कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं तो इस सेमिनार में आपको चलना पड़ेगा। वो मेरे साथ गए, होते हैं ना गए, मैं बगल में सीट रखी थी बट वो बैठे नहीं, लेकिन बंदे का कान खुला रहता, वो पूरे सेमिनार को सुन रहे थे और सुनते सुनते लास्ट में आके बैठते हैं और डिसाइड करते हैं। हम लोग वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से डिसीजन लेके अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, पूरे प्लानिंग के साथ में अच्छे से बिजनेस को स्टार्ट करना। उसके बाद क्या था दोस्तों, दोनों जब मिल गए मनोज अनुषा तो हम लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस किया, बहुत ही बड़ा बिजनेस किया। कप 6%, 9%, 12 सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड तक गए, बहुत मस्ती की। और सबसे अच्छे मेरी लाइफ का
अगर बोला जाए बहुत खूबसूरत दिन हुआ था, जिस समय मैं फाउंडर एमरल हुई थी और मेरा पहला सेमिनार मेरे जन्मभूमि बोकारो में पड़ा था और उस दिन मेरा बर्थडे भी था 10 दिसंबर मुझे याद है। और एक खुशी और थी, मेरी भाई की शादी भी थी। और दोस्तों जब मैं वहाँ सेमिनार ले रही थी तो आपको हम बता नहीं सकते, मैं इतनी इमोशनल थी और बहुत खुश थी कि भगवान से मैं क्या मांगी थी, भगवान ने तो मेरे सारे मुरादें पूरी कर दी। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ सेमिनार देते हुए। और सबसे अच्छा क्या लगा, जब मेरी सेमिनार ख़त्म हुई और लोग जब मुझसे मिलने आ रहे थे तो एक फ़ोटो मैडम मेरे साथ और ऑटोग्राफ, मेरे आँख में आंसू थे और मैं ऑटोग्राफ दे रही थी। ये मेरे लिए बहुत है, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों, जो भी लेडीज़ हैं, आप बहुत ड्रीमर होती है, आपके अंदर सारा वो एलिमेंट है, सारा वो चीज़ है, आप चाहेंगी तो। देखिए लड़की की जब शादी होती है तो कितने बारात जाते हैं, है ना, पूरे 500-600 बारात जाते हैं एक लड़की को लाने। लड़की को वहाँ उधर से अकेले आती हैं, तो सोचिए कि लड़की के अंदर वो पावर, तो उस घर में आके वो सारे नए घर में आके उस घर को अपना लेती हैं, उस परिवार फैमिली को, और उस फैमिली की हो जाती हैं। ये बिज़नेस क्या है, इस बिज़नेस भी एक फैमिली बिज़नेस है, यहाँ भी फैमिली के तरह ही लोगों को ट्रीट करना है, लोगों को प्यार करना है। और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा किया और हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये फैमिली बिज़नेस था। आपने बिना घर गृहस्थी को डिस्टर्ब किए हुए इसको करते रही। और क्या बोलूँ दोस्तों, जब एमरल्ड हुई बहुत मस्ती की, बहुत सारे देश विदेश घूमी, कम से कम 17-18 कंट्री घूम चुकी, जो भी मेरे सपने थे बहुत सारे ड्रीम्स इसमें पूरे। और सबसे बड़ा बात, मेरी पहचान बनी, उषा के नाम से लोग मुझे जानते हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। बहुत मज़ा किए। और बीच में हम लोग एमरल्ड होने के बाद में थोड़े से ठहर गए, बट लेकिन सिस्टम से जुड़े रहे, काम करते रहे। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन होता है, एक दिन बहुत अच्छा दिन आता है, बहुत अच्छा पल आता है, हमारे गुरु, हमारे मेंटर प्रेमवत जी हमारे घर आते हैं। और याद है मुझे वो ग्रीन कलर की डायरी थी और बोलते हैं उषा निकालो, उसमें वो मेरी डायमंड शिप का डेट डाला कि मतलब मुझे सिहरन भी हुई कि मैं डायमंड जा सकती हूँ। और क्या था दोस्तों, उसके बाद लगा कि ब्लेसिंग हो गया, अब हम लोग को डायमंड शिप करना है। उसके बाद क्या था दोस्तों, हम लोग के अंदर था ही पावर, हम लोग कर सकते थे, फिर जिद्दी थे ही हम और मनोज उषा, तो फिर मिलके हम लोगों ने डिसाइड किया डायमंड जाने। और जो भी मैं सपना देख रही थी कि डायमंड जाने का, मुझे किस तरह कर, मैं सोती थी सुबह उठती थी कि मुझे किस तरह की लहंगा पहनना है, किस तरह का मेरा जुड़ा और किस तरह से मुझे रिकॉग्निशन करना है, वो सारा मैं देखती थी। और दोस्तों जैसे पूरा हो, और मेरा जिस दिन सेमिनार हो रहा था, जिस दिन मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, मुझे याद है सुनीता अभी उसी तरह मेरे हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पे लेके जा रही थी। और सेम मेरा खाली ड्रेस का कलर मेरा वहाँ पर रेड था और पिंक में देखा करती थी, और मेरे जुड़े, मेरा वो रिकॉग्निशन, सारा चीज़ उसी तरह था जिस तरह से मैं कल्पना करती थी। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगी कि शिद्दत के साथ अगर दिल से आप किसी काम को करते हैं तो भगवान आपके साथ होते हैं और आपके सारे सपने पूरे होते हैं। तो यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दोस्त, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे परमपिता परमेश्वर का, उसके बगैर कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा नाम रखा था, बुद्धि और समझ दी थी कि हम निर्णय ले सकें। धन्यवाद हम देना चाहेंगे उस व्यक्ति का जिसने आके इस बिजनेस के प्रोजेक्ट को मुझे बताया था, विज्ञाना दादा, एन के दास एंड पुष्पलता दास। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सारे एलओएस के अप्लाइंस का, राकेश एंड सीमा सिन्हा का, अनुज एंड प्रतिमा का, पवन एंड रंजना माहेश्वरी जी का, सबसे अच्छे मेरे मित्र भाई और गुरु प्रियंवद एंड सुनीता जी का। इन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं मुझे सींचा और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बदलाव लाने में एक कहीं ना कहीं एक कोशिश तो जरूर की और कहीं हम उसमें सफल हुए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एमवे कॉरपोरेशन का, इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, बिना पैसे के इतना बड़ा व्यापार हम कर सकते थे इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ संभव था। पूंजी की ज़रूरत नहीं थी, रिस्क लेने की कोई बात नहीं थी, टीम वर्क था, जहाँ अगर मेरे पास कोई कमी थी तो लोगों के पास कोई क्षमता थी और मिलकर टीम के साथ ये निर्णय हो सकता था, काम हो सकता था। प्लेस एनी वेयर एनी टाइम बिजनेस, कहीं भी कहीं से कर सकते थे। एवरीथिंग वॉज पॉसिबल इन दिस बिजनेस। जब मुझे ये लगा तो मुझे लगा कि अरे यही तो मैं खोजा करता था ज़िंदगी में। दोस्त होता है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की किसी व्यक्ति को तलाश होती है ना, वो सब एमवे में है, पूरा पैकेज है। वो पैसे की बात करें, समय की बात करें, सुरक्षा की बात करें, इनकम की सुरक्षा की बात करें, मान सम्मान की बात करें, सब यहाँ है। लेकिन क्या है कि लोग ढूंढ कहीं और रहे होते हैं। मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर, अपनी नौकरी और अपने प्रोफेशन के बदौलत
उन सब चीज़ों को पाना चाह रहा था। जहाँ पैसा था तो समय नहीं था, सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब सब चलते हैं उस भेड़ चाल में हम भी चल पड़े। कहते हैं ना कि हम मिडिल क्लास लोग बड़े कन्फ्यूज क्लास के लोग होते हैं, चाहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, पाना कुछ है, पाते कुछ हैं, और सब खोने के बाद भी अपने ज्ञान और अपने बड़प्पन का ढिंढोर जरूर पीटते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में और इसी तरीके की सोच रखता था। मुझे भी लगता था हम अपने किसी चीज़ों के साथ हम जीवन में वो सब हासिल करेंगे। एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने पढ़ी इस बिजनेस में आने के बाद। एक व्यक्ति के कार की चाबी खो गई थी और वो उस लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढ रहा था। काफ़ी देर के बाद कुछ और लोग भी जमा हो गए, वे भी चाबी को ढूंढने की उसके साथ कोशिश करने लगे, चाबी नहीं मिली। उसमें एक व्यक्ति ने पूछा, आपको पता है कि चाबी यहीं गिरी थी? उस व्यक्ति ने बताया, ये तो नहीं पता है कि चाबी यहाँ गिरी हुई थी, बट रोशनी यहीं है इसलिए खोज यहीं रहा हूँ। ज़रा सोचिए दोस्त, कहीं आप भी ऐसे तो नहीं हैं? कहीं आप भी तो सुविधावादी नहीं हैं? चाबी तो वहीं मिलेगी जहाँ गिरी है, जहाँ है, आपके रोशनी में नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जीवन में हम और आप जिस विकल्प को लेकर चल रहे हैं उसमें ये ताकत नहीं है, उस साधन में इतनी क्षमता ही नहीं है। आप देखिए ना, जीवन में अगर आप गौर करके देखें तो जो भी पैसे की बात करें समाज में या आपके शहर में, वो किनके पास है? वो बड़े बिजनेसमैन के पास है। जो बाकी मान सम्मान की बात करें वो भी कहीं ना कहीं उनके पास है। देश विदेश की सैरें करें या क्वालिटी टाइम की बात करें वो भी उन्हीं के पास है। लेकिन हम सब अपनी नौकरी के बदल पाना चाहते हैं। नौकरी अच्छा है, नौकरी अच्छा जीवन देता है, लेकिन नौकरी हमारी जीवन शैली नहीं दे सकती है, हमें सपने की ज़िंदगी नहीं दे सकती है। और अल्टीमेटली उसमें कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है, कैप है। 60 साल होने के बाद वो नौकरी तो जानी ही है, वो हम तो अपने बच्चे को दे भी नहीं सकते हैं। बट ज़रा देखिए, जो सफल बिजनेसमैन है वो मेहनत करते हैं, आजीवन काम करते हैं, उनको रिटायर होने की ज़रूरत नहीं, उनकी अपनी मर्जी होती है। और उनके बाद उनके बच्चे उनके काम को फिर से इनकम क्रिएट करने के लिए नहीं करते हैं, उस बड़े हुए काम को और बड़ा करने के लिए करते हैं, और उनका बच्चा और बड़ा, उनका बच्चा, वो एक पूरे लाइफ लॉन्ग एक जनरेशन के लिए एक बिजनेस सिक्योर करते हैं, एक इनकम सिक्योर करते हैं, और हम अपनी नौकरी में इनकम क्रिएट करते हैं। सोचिए ना, जब हम इनकम के क्रिएशन के लिए काम करेंगे और एक बंदा इनकम के ग्रोथ के लिए काम करता है, कहाँ पैसा होगा, कहाँ सफलता होगी? ये सिर्फ सामान्य बुद्धि से सामान्य सोच का विषय है, हम सब सोच सकते हैं, लेकिन हम तो कर नहीं सकते थे। अगर एमवे कॉरपोरेशन नहीं होती, मेरे पास पूंजी नहीं थी, रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं थी, मेरे पास वो ज्ञान भी नहीं था बिजनेस करने का। हमें तो कम पैसे में घर चलाने का ज्ञान था, हमें तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज्ञान था, हमें तो अपनी छोटी छोटी जिंदगियों को जीने का सिर्फ ज्ञान था। हमें तो ये पता था कि बॉस उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर है, 99-99 करने से कुछ होता नहीं है। संतोषम परम सुखम बहुत अच्छी कहावत है, इसे सीख लेना चाहिए। अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को ना देखो। लेकिन ये सब फिलॉसफी मुझे लगा कि ये मिडिल क्लास के चौंसले हैं जो बकवास है। इससे आप अपनी अकर्मण्यता में छिप सकते हैं, लेकिन कर्मवीर की तरह निकल के बहादुरी से लड़ना है तो कहीं ना कहीं व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम ईमानदार और सैद्धांतिक तरीके से सफल होने की बात करें तो बिल्कुल यही संभव है। इस बिजनेस में सब कुछ है जो हम चाहते हैं, लेकिन विषय है कि हमें या तो पता नहीं होता, या तो हम गलत सूचनाओं के कारण बैठे होते हैं, मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, और उसके कारण एक निगेटिविटी पाल के बैठे होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो सारे लोग काहे नहीं कर लेते हैं। दोस्त, जीवन में सारे लोग सारे काम को नहीं कर सकते हैं। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई धनी होना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, होता क्यों नहीं है? आप गौर करके देखा है आपने कभी कि ज़्यादातर लोग सफल हैं, सुखी हैं या धनवान हैं, या थोड़े से लोग हैं? पता है आपको कि थोड़े से लोग ये इस कैटेगरी में आते हैं, तो थोड़े ही से लोग क्यों होते हैं? क्या बाकी लोग सफल नहीं होना चाहते हैं? बिल्कुल सफल होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनको सफलता के रास्ते का पता नहीं है, या उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, या अपनी नेगेटिव थॉट को लेकर वो एक विचार बना के बैठे हुए हैं, परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, जहाँ हैं उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करके खुश हैं और अपनी छोटी ज़िंदगी में अपने आप को सीमित कर लेते हैं। वो कर सकते थे लेकिन करते नहीं। आप ज़रा सोचिए ना, अगर आप एमवे बिजनेस नहीं करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है आपके जीवन में? जीवन जैसा चल रहा है चलता रहेगा, थोड़ा कम और थोड़ा बेसी। जीवन की कोई समस्याएं एमवे के कारण तो आती नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन कोई नुकसान भी तो आपका नहीं अगर आप एमवे बिजनेस करते हैं। अंधे और लंगड़े की कहानी की तरह, अगर आपसे जो काम हो सकता है वो आप करते हैं, और जो आपसे नहीं हो सकता वो आपकी टीम कर सकती है। दोनों में कहीं ना कहीं अपनी अपनी क्षमता है। आप जिन लोगों को जानते हैं उनको टीम नहीं जानती है, और टीम को जो बताने आता है, समझाने आता है, वो शायद आपको नहीं आता है। बट दोनों अगर मिल जाए तो अंधे और लंगड़े की तरह
जीवन का मिशन सफल तो हो सकता है। ये एकदम छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में बड़ी बड़ी किताबों में हम छुप के रह गए हैं, वो न्यूक्लियर साइंस या अकाउंट्स की बड़ी किताबें या इनकम टैक्स की सिद्धांत, कहीं ना कहीं इसमें हम खो जाते हैं। और ज़िंदगी में सारे अर्थशास्त्र के पन्नों को पढ़ने के बाद, कई अखबार और सूचनाओं को लेने के बाद भी हमारे घर की गृहस्थी की अर्थशास्त्र का पता नहीं होता है, और हम फिर वहीं ज्ञानी पुरुष की तरह रह जाते हैं। लेकिन थोड़ी बुद्धिमानी से सोचें तो आप फर्क कर सकेंगे। जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया तो संघर्ष भी शुरू हुए। मैंने सोचा था जिन लोगों को मैं बताऊंगा वो तो मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, मुझ पर विश्वास भी करते हैं, वो तो फटाफट बिजनेस शुरू कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने लोगों को बताना शुरू किया, कुछ लोगों ने कहा कि मनोज जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर ये सब क्या साबुन तेल का धंधा कर रहे हैं। सही कहा उन्होंने, बट ज़रा सोचिए सर दोस्त, अगर आप अंबानी की बात करें, जिंदल की बात करें, मित्तल की बात करें, ITC की बात करें, बिरलाज की बात करें, किन की ना बात करें, वो सब भी तो कहीं ना कहीं FMCG के बिजनेस में, वो सब भी तो कहीं ना कहीं साबुन तेल का बिजनेस करते हैं, वो सब भी तो अपने ज़िंदगी में कई काम करते हैं। फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ क्या? मैं उसमें कोई एडिशन ना करूँ, कहीं मल्टीप्लिकेशन ना करूँ? अगर हो सकता है, हमने देखा है बड़े सफल लोगों को जिसमें कि काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए हैं, उनके फैमिली में कई बिजनेसेस हैं। लेकिन हम सामान्यतया लोग इतना सोचते नहीं हैं। जीवन में अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। सिद्धांत तो दो ही है, या तो आप आगे जाएंगे या पीछे आएंगे। जीवन में कुछ स्थिर होता नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम स्थिर जिंदगी जी सकते हैं। ये कभी होता नहीं, होगा ही नहीं। कई सवाल मन में आते हैं और आते थे जब लोग मेरे पे हंसते थे। लगता था मैं इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या सही कर रहा हूँ। जब लोग रिजेक्ट करते थे, रिजेक्शंस देते थे, ना कहते थे, बुरा तो लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने विवेक और अपने बुद्धि पर भरोसा भी था। यहाँ आकर मैंने जो नई इन्फॉर्मेशन ली, नई किताबें ली, किताबों को पढ़ा, संगति में रहा, बोलते हैं ना बाज की संगति में आया, बदलाव किया, और तब समझ में आया कि कुछ लोग जो मुझ पर हंसते हैं उनकी हंसी थोड़े समय की है, लेकिन मेरी हंसी परमानेंट होने वाली है, आज के लिए भी और आने वाले जीवन के लिए और जनरेशंस के लिए भी। मुझे विश्वास था कि मेरी मंजिल कहाँ है, तो लोग रास्ते में क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं टिका रहा। हाँ, आपको भी रिजेक्शंस मिलेंगे, आपको भी लोग ना कहेंगे, कुछ लोग आपको मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास है, आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिजनेस है, तो आप बिल्कुल ही सफल हो जाएंगे। वक्त लग सकता है, किसी का थोड़ा कम लगता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो चलेगा ही नहीं उसका क्या लगेगा, है ना? कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल जाएगी भटक के सही, मुश्किल तो है कि हम घर से निकलते ही नहीं। तो आप देखिए, ये सारी कहावतें हैं, सुबह सुबह फेसबुक और व्हाट्सएप पर कितने न्यूज़ मैसेजेज आपको आते हैं अच्छे अच्छे, बट जो भेजता है वो शायद अनुकरण नहीं करता है या उसका महत्व नहीं समझता है। लेकिन यहाँ के हमने जीवन में सीखा, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो बोलते हैं वही कीजिए और जो करते हैं वही बोलिए। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने वो सब किया जो मैं अपनी टीम से करवाना चाहता था। इसी तरह से आगे बढ़ता गया। उषा जी और मैं की कहानी को लेकर हर कदम दर कदम गिर के लेकिन हम उठे। उठने की प्रेरणा मिलती थी जब मैं मीटिंग में जाता था, तो फिर से प्रेरणा मिलती थी जब किताबों को पढ़ता था रात में। आज भी मैं पढ़ता हूँ, और ये अच्छी आदत भी है, तो आज भी कल के लिए हमारे पास एक आशा है। और कहते हैं कि अगर आपके जीवन में आपके पास सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए आप में विश्वास है, और अगर आप में आशा है, तो आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे। संघर्ष में भी आपको जीत मिलेगी और खुशी मिलेगी। और अगर आप एक्साइटेड होकर काम करते हैं तो आपका जो एक्शन है ना, मैसिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है मैसिव एक्शन? जो आप कर सकते थे कर सकते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है वो तो सही है, लेकिन आप अपने बियॉन्ड कैपेबिलिटी जब काम करते हो उसे मैसिव एक्शन बोलते हैं, है ना? और जब आप मैसिव एक्शन करने के आदी हो जाएंगे, आपकी हैबिट्स में हो जाएगी, तो सफलता तो आपकी कदम चूमनी ही चूमनी है। भाग्य तो आपका बदलेगा ही बदलेगा, भाग्य को तो आपको साथ देना ही। उषा जी ने कहा ना कि अगर आप पूरे शिद्दत से कोशिश करते हैं तो कायनात आपके सपोर्ट में आपकी खड़ी हो जाती है। तो यही इस तरीके से चलता रहा। लोगों ने जब मैं बिजनेस की प्लान दिखाता था तो लोग बात बहुत सारी बातें करते थे। लोगों ने यहाँ भी कहा, मनोज जी बड़े सपने मत दिखाइए। दोस्त, उन्हें कहाँ पता था कि हम सपने ही नहीं दिखाते हैं, हम सपने पूरे करने के लिए उनके साथ भी चलते हैं, और उनके सपने पूरे कराने के लिए पूरे जोशों खरोश और पूरे खून पसीने को भी बांटते हैं, और एक दिन वो कामयाब होते हैं। मेरे साथ मेरे अपलाइन पार्टनर्स ने यही किया और हम सफल हुआ। अकेला मैं सफल नहीं हुआ, ये टीम सफल हुई। तो लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा,
क्या फ़ायदा बहुत पैसा कमा के क्या होगा, बहुत धनी होने से क्या होता है, क्या आप सुखी हो जाएंगे? नहीं, पैसे से सिर्फ आप सुखी नहीं होंगे, बात सच है, लेकिन एमवे में जो कॉम्बिनेशन है रिकग्निशन का, मान सम्मान का, ये एक पैकेज है, ये आपको सुख देती है, इससे सुखी हो सकते हैं आप। फिर भी आप ज़रा सोचिए ना कि ठीक है, गरीब रहने में कौन सा सुख है? क्या एक गरीब किसी गरीब की मदद कर सकता है? क्या एक कमज़ोर व्यक्ति किसी कमज़ोर को सहायता दे सकता है? जीवन में मुझे लगता है कि धनवान बनना जीवन का एक सबसे बड़ा धर्म भी है, क्योंकि जब आप धनी होने का निर्णय लेते हैं, संघर्ष करते हैं, तो कई लोगों के सपने आपसे जुड़ जाते हैं और उनके भी पूरे होते हैं। आज हमारे टीम में कितने सारे एमराल्ड्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, पांडा प्लैटिनम्स हैं, सफायर्स हैं, सिल्वर्स हैं, गोल्ड्स हैं, कहीं ना कहीं BBI हैं, BPI हैं, कहीं ना कहीं उनके सपने तो पूरे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके घर में इनकम तो आ रहा है। आज के लॉकडाउन की सिचुएशन को देखिए, या रसिया यूक्रेन के वार की बात करिए, या इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करिए, कई पिछले अगर आपने सब देखा होगा दशकों में, तो कई ऐसे घटनाएं आई जो हमारी सुरक्षा को धता बताते हुए हमारे सबसे जो अगली पंक्ति में खड़े होने वाले लोगों की भी जिंदगी में पिछली पंक्ति में उन्हें ला के खड़ा कर दिया है। ताश के पत्ती की तरह घर बिखरते हुए हमने देखा है, कई घटनाएं ऐसी गिर गई, मेरे इर्द गिर्द में भी ऐसी कई घटनाएं घटी। इस बिजनेस में इस 24 महीने का करीब करीब लॉकडाउन का पीरियड मैं घर से शायद ही बाहर निकला, बट मेरे इनकम में बहुत फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में अपने सपने थे, हर व्यक्ति को संघर्ष करना आता था, सीख लिया था, संगति में रहकर विश्वास बड़ा हो गया था, और इस तरीके से कहानियाँ बढ़ती चली गई, बनती चली गई। दोस्त, कभी कभी आपको लगेगा कि सब चीज़ दिखा दो फिर मैं शुरू करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बिजनेस एक टॉर्च की लाइट की तरह है, टॉर्च की लाइट आपको थोड़ी दूर दिखाती है, लेकिन जब थोड़े दूर आप पहुँचते हैं तो फिर थोड़ा दूर और दिखाती है, फिर थोड़ा दूर और दिखाती है। सब सीख के इतने साल के किताबी ज्ञान के बावजूद भी कहाँ हम सफल हो पाते हैं, तो क्यों नहीं इस बिजनेस को शुरू करें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखेगा, मंजिल भी दिखेगा, और रास्ते का अनुभव भी मिलेंगे। आपके जैसे कई लोग आपके साथ इस सिस्टम पे काम करते हैं, जो आपको मदद करते हैं, आप अकेले नहीं होते हैं। आप अगर सोचिए ना, एक एग्जांपल लें कि अगर आपको देवघर जाना है, सावन के महीने में कांवर लेके लोग जाते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग, कमज़ोर बच्चा, स्त्री पुरुष सब चले जाते हैं, अपंग भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर संगति होती है, एक मिशन होता है, सब चल रहे होते हैं तो आप भी चलते हैं, और कहीं ना कहीं सबको एक विश्वास होता है कि भोले बाबा पे जल तो चढ़ा ही देना है, और चढ़ा भी लेते हैं। लेकिन उन्हीं व्यक्ति को अगर अकेले किसी महीने में पूरी सुविधाओं के साथ भी जाने बोले तो शायद नहीं पहुंच सकते हैं। संगति में बड़ी ताकत है, आप आइए संगति में बनिए, धीरे धीरे आप सब जान जाएंगे और सीख जाएंगे। बदलना तो पड़ेगा दोस्त, कुछ नहीं बदलता है अगर आप नहीं बदलते हैं, नथिंग चेंजेज इफ नथिंग चेंजेज। बदलिए अपने आप को, जीवन के नई फिलॉसफी को भी सीखने की कोशिश करिए। बहुत सारे अवसर हैं इस दुनिया में जिसे हम देख नहीं पाते हैं, उसी में एक ये बिजनेस भी है। आइए इस अवसर को देखिए, समझिए, हाँ सीखिए। हमने सीखा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है इस नए किस्म का, कैसे ये इकोनॉमिकल है, कैसे इसके डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं, कैसे वॉल्यूम बनाना है, कैसे कस्टमर को लाना है, कैसे कस्टमर से प्यार मोहब्बत और प्रोडक्ट की क्वालिटी को परमानेंट कस्टमर बनाना है, कैसे अपने पर्सनल वॉल्यूम को बड़ा करना है, कैसे टीम खड़ी करना है, कैसे टीम के साथ प्यार मोहब्बत से लगे उनके विश्वास को बड़ा करना है, कैसे एक दिन बड़ी टीम हो जाती है, और कैसे आप एक कड़ी पर चलते हुए एक सीढ़ी दर सीढ़ी 3% की यात्रा शुरू करते हुए एक दिन डायमंड शिप की यात्रा पर पहुंच जाते हैं, और डायमंड के बाद जो आनंद है, जो रस है, वो बहुत ही अलग है। उषा जी ने बताया, मेरे पासपोर्ट ही नहीं था इनफैक्ट, लेकिन आज मेरे कई पासपोर्ट बदल चुके हैं, मेरे पासपोर्ट पे कई स्टाम्प्स लग चुके हैं, हर साल स्टाम्प्स लग रहे हैं, कई बढ़िया फॉरेन ट्रिप्स हमने लिया, 5-स्टार लग्जरी ट्रिप्स, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, आनंद ही आनंद है। मेरे बच्चे भी कई ट्रिप्स में शामिल हुए हैं। कहाँ हमारी बिजनेस में या हमारे पारंपरिक बिजनेस में या हमारे प्रोफेशन में ये क्षमता थी? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था जीवन के सपने को पूरा करने के लिए, पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी से वो ना मिल सका जो इस 4-5 साल के बिजनेस से देना शुरू कर दिया। आज 17-18 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए। लोग पूछते हैं कि मनोज जी और कितना दिन करेंगेगा? मैं तो जीवन के अंतिम सांस तक इस बिजनेस को करता रहूँगा। मेरा तो एक एक खून का एक एक कतरा इस बिजनेस में समाहित है। मेरे सपने तो शायद पूरे हो गए या हो रहे हैं, मैं सफल हो रहा हूँ, मेरी गाड़ियाँ बदल रही है, लेकिन अच्छा तो तब होगा जब हमारे और आपके कारण लोगों की जिंदगियाँ बदलेगी, लोगों की कारें बदलेगी, लोगों के घर बनेंगे, लोगों के घर में खुशियाँ आएंगी,
कहते हैं ना, व्यक्ति सफल तब नहीं होता है जब वो खुद सफल होता है, व्यक्ति सफल तब होता है जब उनके कार्य में कई लोग सफल होते हैं। आज मैं विदेश यात्रा करता हूँ तो इस बात की खुशी नहीं होता है कि मैं जाता हूँ, हर साल जब नए कपल्स मेरे साथ शामिल होते हैं जाते हैं तो जो आनंद है वो असीमित है, वो एक अंदर की अनुभूति है, एक एहसास है जिसे आप यहाँ आके ही फील कर सकते हैं। मैं आज इस 25-30 मिनट की बातचीत से आपको बहुत कुछ दिखा तो नहीं सकता हूँ, बट एहसास देने की कोशिश मैं किया कि अगर हम कर सके तो आप कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें आपके जीवन भी बदलेगी, जीवन शैली भी बदलेगी, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपके स्वास्थ्य भी पूरा होंगे, आप एक बेहतर इंसान भी बनेंगे और एक बेहतर पति और अपने पिता भी बनेंगे। ये सब बिजनेस में कहीं ना कहीं संगति में है, ये सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस नहीं है, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है लेकिन पैसे के साथ साथ वो बाकी चीज़ें मिल जाए ये कितना अच्छा है, और ये बिजनेस में है। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ को पाने के लिए तरीका भी तो अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, आप मॉर्निंग वॉक करते हुए एवरेस्ट फतह नहीं कर सकते, आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा और चलते हुए एक दिन आप भी आगे निकल जाएंगे। खैर, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये बिजनेस हर उस मिडिल क्लास को करना चाहिए जिसके पास सपने हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो साहसी हैं, कमी है उनके पास लेकिन कमियों के बाद भी उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, इतिहास बनाना चाहते हैं अपने लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, उनके लिए बिजनेस है। लास्ट में मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगा, क्यों अंधेरों को कोसा जाए, आओ हम मिलकर एक दिया जलाएं। इस जीवन यात्रा की सफलता, इस जीवन यात्रा में कई दिए हमने जलाए और हम और आप मिलकर कई और जलाने बाकी है। हम अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश सब जगह हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें, लोगों में आशाओं का प्रवाह करें, उनके जीवन को सुंदर बनाएं। जीवन तो तभी सार्थक होता है। मैं चाहूँगा आप आएँ, एक अच्छा निर्णय लें, सीखें, समझें और एक दिन संघर्ष की कहानी आपकी भी होगी, सफलता की कहानी आप भी सुनाते रहेंगे और मैं भी आपकी कहानी को सुनूं और सफल हूं। तो आइए, ज्वाइन अस, वी वेलकम यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।